नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मेडिज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे इकोनॉमी और इकोनॉमी के साथ साथ हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, इकोलॉजी या एनवायरनमेंट। इससे भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो ये 8-10 लेक्चर में हम इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे कि मैं समझता हूँ कि एनवायरनमेंट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम पढ़ेंगे पहले पर्यावरण, फिर समझेंगे पारिस्थितिकी क्या होती है। पर्यावरण का संविच्छेद करें अगर तो ये आएगा परिधर आवरण। क्या इसका मतलब होता है ये समझते हैं। ये मैंने पृथ्वी बनाई है, ये पृथ्वी का धरातल है, ऊपर का पृथ्वी का धरातल, जिस पृथ्वी पर धरातल पर जिस पर हम खड़े हुए हैं। इस पर दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो ऐसी चीजें होती हैं जीवित हैं और एक ऐसी हैं जो जीवित नहीं है। तो जीवित में हमारे पौधे आते हैं, पादप बोलते हैं, जंतु आते हैं, जंतुओं में मनुष्य और जानवर दोनों हैं, और सूक्ष्म जीव। पृथ्वी के धरातल पर ये तीन चीजें ऐसी हैं जो जीवित हैं, एक तो पादप, एक जंतु, एक जीव। इनको बोलते हैं जैविक जगत, इनको बोलते हैं जैविक जगत। इनमें आगे पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। इनको बोलते हैं जैविक जगत। इस जैविक जगत को चारों तरफ से जो घेरता है, इस जैविक जगत को पादप है, जंतु है और सूक्ष्म जीव है, इसको चारों तरफ से कौन घेरे हुए है? जमीन पर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो ऊपर से आपको कौन घेरे हुए है? वायुमंडल। जहां आप खड़े हुए हैं उधर से कौन घेरे हुए है? स्थल मंडल, नीचे जमीन। और उसी स्थल में नमी भी है, पानी भी है, तो जलमंडल। तो इस और इस घटक को बोलते हैं अजैविक घटक, अजैविक या भौतिक इंग्लिश में बोलते हैं अबायोटिक, इसको बोलते हैं बायोटिक। तो इस जैविक जगत, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीवों को चारों तरफ से घेरने वाले आवरण को बोलते हैं पर्यावरण। चारों तरफ से कौन सा आवरण घेरता है? वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल, है ना। कोई भी ये होगा जैविक चीज होगी, जो जीवित होगी, जिसमें जीवन है, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, उसको तीनों तरफ से या चारों तरफ से जो घेरता है उस वातावरण को बोलते हैं पर्यावरण, है ना। लेकिन इनके क्या होता है कि इनके जीवन के विकास के लिए एक चीज और जरूरी है, उसको बोलते हैं ऊर्जा घटक, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे विश्व के लिए, वो है सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी में अंदर होती है। तो एक तो ऊर्जा घटक, मतलब पृथ्वी क्या होता है, जैसे मान लो यहां सूर्य है, तो इस सूर्य से क्या होगा, पौधे ऊर्जा लेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से खाना बनाते हैं, और ये पौधे जो होते हैं स्थल मंडल से नीचे से पोषक तत्व लेंगे, रासायनिक तत्व लेंगे, इनसे अपना भोजन बनाएंगे, इनको ये जंतु खाएंगे। तो ये भोजन बनाते हैं पौधे अपने, इसलिए इनको बोलते हैं उत्पादक। और जंतु इनको खाएंगे तो इनके लिए, इसलिए बोलते हैं इनको उपभोक्ता। और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनको फिर से मिट्टी में मिला देते हैं, तोड़ तोड़ के डिकम्पोज करते हैं, अपघटक, अपघटक इनकी बॉडी को तोड़ के मिट्टी में फिर से मिला देंगे, और फिर से ये मिट्टी से पौधे पौधे अपने पोषक तत्व के रूप में लेंगे, और फिर से इसकी रिसाइकलिंग चलती रहती है। मतलब पौधों से जंतु खा लेंगे, जंतु से सूक्ष्म जीव इनको फिर से मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी से फिर से पौधे, ये साइकिलिंग चलती रहती है, और निरंतर ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती रहती है पौधों को। तो कुल मिला के पर्यावरण क्या क्या मतलब होता है, जो जैविक जगत है जिसमें जीवन है उसको चारों तरफ से घेरने वाला आवरण, और चारों तरफ से कौन सा घेरता है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल। और ऊर्जा मिलती है हमें सूर्य से। तो अब ये आता है कि पर्यावरण के घटक कौन से हैं, तो तीन घटक हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पर्यावरण का इनमें से कौन से घटक हैं,
और पर्यावरण के जैसे अजैविक घटक में क्या क्या है, जैविक घटक में क्या क्या है, ये आपसे आना चाहिए। अब दिक्कत क्या होती है, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल को हम पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी में, पादप जंतु सूक्ष्म जीव इनको हम बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं, लेकिन इनमें आपस में संबंध क्या है, ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके लिए जो विज्ञान है उसको बोलते हैं इकोलॉजी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में क्या करते हैं हम, जो जैविक जगत है वो किस तरीके से भौतिक पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है या जो भी हमारा सेक्टर है, हम लोग इन तीनों चीजों को प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से मनुष्य, न तो सूक्ष्म जीव ज्यादा कर रहे हैं, न आपके जानवर कर रहे हैं, न पौधे प्रभावित कर रहे हैं, मनुष्य जो है जंतुओं में मनुष्य वो क्या कर रहा है, जल को प्रदूषित कर रहा है, स्थल को प्रदूषित कर रहा है, मृदा का वो हो रहा है क्षरण वगैरह, वायुमंडल की तो हालत खराब ही है, ओजोन परत क्षरण देख रहे हैं आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो कुल मिला के ये जो जगत है इसमें से मेनली जंतु है, इस जगत के बीच में और इसके बीच में अंतर संबंध क्या है, किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इस जैविक जगत का और इसका भौतिक पर्यावरण के बीच का अंतर संबंध पढ़ते हैं उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी। तो यहां से समझ में आपके आ जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है, ये किस तरीके से इसको प्रभावित कर रहे हैं। तो आप वायुमंडल पढ़ेंगे, वायुमंडल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन किस तरीके से ये इसको प्रभावित कर रहा है, प्रभावित में आप ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे और आपको ओजोन परत के संरक्षण पढ़ेंगे, स्थल मंडल को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, जल प्रदूषण पढ़ेंगे, मृदा प्रदूषण पढ़ेंगे, है ना। तो और ये जब इसको प्रभावित करता है तो हमारी सरकारें क्या करती हैं, कुछ ऐसे नियम कानून बनाती हैं जिससे इनके बीच में आपस में क्या संबंध है, जंतु किस तरीके से सूक्ष्म जीव को प्रभावित कर रहा है, जंतु पौधों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, है ना, या जंतुओं में जो मनुष्य है वो बाकी जीवों को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, बाकी जो जीव हैं जानवर हैं, देखा होगा हमारे यहाँ क्या होते हैं, मतलब वन्य जीव अभयारण्य वगैरह होते हैं, मतलब जो मनुष्य है ये मनुष्य क्या करता है कि बाकी ये जो चीजें हैं उनको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है, जिसका हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो वायुमंडल में हो। तो ये आपस में किस तरीके से संबंध रखते हैं, किस तरीके से प्रभावित करते हैं, या ये इसको किस तरीके से प्रभावित करते हैं, ये हमें इकोलॉजी में पढ़ना है, पारिस्थितिकी में। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम जो जैविक जगत होता है उसका अजैविक जगत से किस तरीके से संबंध है और इनका आपस में भी किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं वो पढ़ना है। तो यहां से हमें पूरा इस पारिस्थितिकी का सिलेबस समझ में आ जाता है कि वायुमंडल में कौन कौन से प्रदूषण वगैरह ये सब पढ़ना है और उस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कौन से संगठन बनाए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर है चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, है ना, कौन कौन से अधिनियम बनाए हैं, जैसे हम पढ़ते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो अधिनियम पढ़ने हैं, वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं पढ़नी है, ये किस तरीके से इसको प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं वायुमंडल में आ रही हैं, कौन कौन सी जलमंडल में आ रही है, स्थल मंडल में आ रही हैं, ये जंतुओं में मनुष्य कैसे पौधों को काट रहा है या पौधों से कौन समस्याएं आ रही है, ये सारी चीजें हमें पारिस्थितिकी में पढ़नी है। तो पर्यावरण कुछ नहीं होता है, जो जो धरातल पर जो जैविक समुदाय है जिनमें जीवन है उनको चारों तरफ से जो आवरण घेरता है उसको बोलते हैं पर्यावरण, और दोनों में आपस में जैविक जगत और अजैविक जगत में कैसा संबंध है इसको पढ़ते हैं पारिस्थितिकी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।